कोरोना वायरस के कारण ज्यादातर बिजनेस सुस्त हो चुके हैं। ऐसे में फल सब्जियों की आपूर्ति के लिए लोग गांव पर निर्भर हैं। रांची जैसे छोटे शहर में खेती के लिए नया तरीका आजमाया जा रहा है। बिना मिट्टी के खेती करके भारी मात्रा में फल और हरी सब्जियां उगाई जा रही हैं। जी हां, बिना मिट्टी की खेती, जिसे हाइड्रोपोनिक खेती कहा जाता है, जो दो शब्दों के मेल से बना है, हाइड्रो यानी पानी और पोनोस यानी लेबर। ये मिलकर एक नया शब्द बनता है जिसका मतलब है बिना मिट्टी के, यानी वो तकनीक जिसमें मिट्टी के बगैर ही केवल पानी की मदद से पौधे उगाए जा सकते हैं। इसमें पौधों के बढ़ने की रफ्तार मिट्टी वाले पौधों से 30-50% तक तेज होती है। राजधानी में हाइड्रोपोनिक खेती कर रहे चंदन उपाध्याय ने बताया कि उन्होंने लंबे समय तक फॉरेन कंट्री में काम किया है और वहां पर इस खेती को देखकर उन्हें प्रेरणा मिली और अब वे इस तकनीक को पूरे राज्य के लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। सर, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं बाय प्रोफेशन आईटी प्रोफेशनल, तो अपने 9 ईयर्स जॉब करियर में मैं 7-8 ईयर्स बाहर रहा हूँ और ऐसी जगहों पे रहा हूँ जहाँ पानी की स्कैर्सिटी है और वहाँ मैंने एक्चुअली इस सिस्टम हाइड्रोपोनिक सिस्टम बोला जाता है और वहाँ मैंने ये देखा कि लोग मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक इजराइल केप टाउन की बात करें तो पानी की बिल्कुल ही कमी है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल हाइड्रोपोनिक्स के ही ऊपर जाते हैं जहाँ पर 90% आपकी वाटर सेविंग है प्लांट किसी भी प्लांट्स को उगाने के लिए। और जहाँ तक प्योरिटी की बात है, ये मेरी नज़र में ऑर्गेनिक कुछ नहीं होता, एवरीथिंग इज सेमी ऑर्गेनिक आप कह सकते हैं, बिकॉज आप एकर्स में पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, बाकी चीज़ें यूज कर रहे हैं और आप अपने छोटे से लैंड में फॉर एग्जाम्पल आप नहीं यूज कर रहे हैं बट पानी गिरता है, रिसाव होता है, हवा चलती है, तो वो पेस्टिसाइड्स आपके ऑर्गेनिक फार्म तक भी पहुंचता है, तो आई विल से दैट्स अ सेमी ऑर्गेनिक। बट हाइड्रोपोनिक सिस्टम में देयर इज मतलब प्योरिटी, देयर इज नो पेस्टिसाइड्स, प्योरिटी फुल है एंड न्यूट्रिशन वैल्यू डबल है, जो कि आप एग्जैक्टली मतलब कहीं पर भी सर्च कर सकते हैं। टेक्निक्स मैंने वहीं से सीखा, प्लस यहाँ पर मैंने एक फ्रेंड है मोहित हाइड्रोपोनिक्स फ्रॉम हरियाणा, सो वी टुगेदर एक्चुअली डेवलप दिस कॉन्सेप्ट। एंड मैंने जब जॉब छोड़ा तो मैं रांची आया, आई स्टार्टेड माई ओन आईटी कंपनी, 3-4 साल आईटी कंपनी चलाया, देन आई थॉट कि क्योंकि गांव से जुड़े हुए हैं, पापा को भी खाने से बहुत लगाव है और कृषि से भी लगाव है, तो आई थॉट कि नहीं कुछ नया, मतलब बींग अ टेक्नोलॉजिस्ट कुछ नया करना चाहिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उस टेक्निक को मैं यहाँ पर लाऊँ और यहाँ के लोगों को भी इसकी जानकारी दूँ। चंदन बताते हैं कि जब वे फॉरेन कंट्री से जॉब छोड़कर रांची आए तो उन्होंने सोचा कि कुछ अलग किया जाए। काफी रिसर्च के बाद उन्होंने इस खेती को चुना। इस खेती में सबसे खास बात ये है कि इसमें पानी की 90% बचत होती है, साथ ही ये सब्जियां नॉर्मल सब्जी से दोगुनी पौष्टिक होती हैं। वर्चुअल मॉडल में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, यानी अगर आप 1000 स्क्वायर फीट भी अगर आप छत के ऊपर, सबसे पहले आइडिया इज टू क्रिएट अर्बन फार्मर्स, नॉट ओनली गोइंग टू द विलेजेस, क्योंकि विलेजेस में तो अभी फिर भी हमारे पास खेत है, जमीन है और लोग खेती कर रहे हैं या पानी भी है, बट इंडिया में अर्बन में अगर हम मेट्रोज की बात करें या रांची सिटी की ही बात करें तो आपके पास खेत से होलसेल मार्केट में आते आते सब्जी 3 दिन लग जाती है, फिर रिटेल आते आते 3 दिन, और जब हम खरीदने जाते हैं तो 2 दिन फ्रिज में रखते हैं, यानी हम हर दिन बासी बासी ही खाते हैं, राइट? तो प्योरिटी तो यहीं पर हो गई कि हम शहर के अंदर अगर हमारा 10 फार्म हो गया और हम यहाँ से लोगों को डिलीवर करना स्टार्ट किए, तो सबसे पहले तो आपको
हमें कितना समय लगेगा, मैक्सिमम 2 to 3 hours की वेदर हम तुरंत कट करके आपके घर तक पहुंचा सकते हैं। तो आइडिया है कि हमारा आने वाले समय में हम ऐप के थ्रू भी हम घर घर सब्जियां पहुंचाएंगे। हाइड्रोपोनिक या मिट्टी के बगैर खेती की ये तकनीक आज से नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से अपनाई जाती रही है। ग्रीन एंड वाइब्रेंट वेबसाइट के मुताबिक 600 ईसा पूर्व भी बेबीलोन में हैंगिंग गार्डन मिलते थे। अब इस खेती को झारखंड में आगे बढ़ाने का बीड़ा चंदन उपाध्याय ने उठाया है। वे बिरसा एग्रीकल्चर सहित कृषि में रुचि रखने वाले सैकड़ों छात्रों और लोगों को इस खेती के लिए जागरूक करने के साथ ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। न्यूज विंग के लिए रांची से श्रेयसी मुखर्जी की रिपोर्ट। ग्रीन इज अ स्मॉल प्लेस एंड वी हैव लाइक वेरी लेस फैसिलिटीज इन टर्म्स ऑफ यू नो एजुकेशन एंड दिस काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इट केम टू आवर माइंड दैट बेसिकली देर शुड बी गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रीडी, दोज हु आर लीविंग द टाउन एंड गोइंग आउटसाइड फॉर यू नो स्टडीज, देयर हायर स्टडीज एंड देयर एजुकेशन। I wanted my son to start with the coding classes. So I researched it online, I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn, you know, this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, you know, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.